वृंदावन कितने दिन से रहते हैं? 20 साल से। 20 साल में आपने कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट श्याम मिलन के लिए आंसू बहाए? कोई वो तो नहीं किया। तो फिर क्या क्या आप रहते हैं वृंदावन? क्यों रहते हैं? बदनाम करते हैं आश्रम को, धाम को? आपको इतना भी नहीं पता है? हम साहब जप करते रहते हैं। क्या जप करते हो? जप करने से क्या होगा? ये ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये तो बात ठीक है। यहां तक कि भाई एक गधा गधा कहता है, एक श्याम श्याम कहता है, उससे बेटर है। लेकिन ये मुख से बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा। मन का अटैचमेंट, मन का सरेंडर होना चाहिए, और कंप्लीट सरेंडर। कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, जप हो रहा है, किसी को ये ध्यान नहीं है कि किसका कीर्तन कर रहे हो, उसके लिए कितनी व्याकुलता हुई, उसके मिलन की व्याकुलता की लिमिट कितनी बढ़ती गई। ये प्रमुख बात। जप करो, करो, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण को पहले सामने खड़ा करो मन से बना करके, फिर उसके बाद जप शुरू करो। कीर्तन करो, उनको पहले खड़ा करो, फिर कीर्तन करो। कोई भी साधना तुम करो, नवधा भक्ति करो, चाहे और आगे है, 35 प्रकार की भक्ति है भागवत में, लेकिन प्रत्येक भक्ति में शर्त यही है कि मन से रूप ध्यान हो और बिना किसी कामना के उनके मिलन की परम व्याकुलता हो। तो बेचारे थियरी नहीं जानते ठीक ठीक, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? टाइम बिता रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं बेचारे, संसार छोड़ करके, कोई वृंदावन, कोई अयोध्या, कोई कहां अपना एकांत में रह के साधना करने का बेचारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन साधना जब जानोगे नहीं ठीक ठीक तो कैसे करोगे? दोनों पैर को रस्सी से बांध दो, कहो क्विक मार्च, तो अपनी जगह पे मार्चिंग करेगा। पहले उसका पैर खोलो। वैराग्य है तो मन से, श्री कृष्ण का अनुराग है तो मन से। व्यक्त है हृदय से, श्रद्धा है, लेकिन वो जानते नहीं क्या करना है, कैसे करना है। इतने भी नहीं जानते हैं कि भक्ति करना किसको है और भक्ति का मतलब क्या होता है। कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है, कोई अपना धामों में घूम रहा है। इस सब बहिरंग व्यवहारों में लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उनको गुरु ने बताया नहीं, समझाया नहीं कुछ अभी। जो मेन पॉइंट है कि उपासना करना किसको है, आंख को, कान को, नासिका को, रसना को, हाथ को, पैर को, तो करना नहीं है उपासना। उपासना करने वाला तो मन है, अंतःकरण है। ये तो इंद्रियां साथ में ले लो अच्छा है, वरना इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो केवल मन का है। तो वृंदावन बात करने का मतलब क्या है कि खाली तुम और तुम्हारा गुरु और तुम्हारा इष्ट देव, बस इसके बाहर न जाओ, कहीं मन न जाने पावे। तुम मन न जाने पावे, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। और जहां जहां जा चुका है वो सब्जेक्ट बाहर से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब उसमें अटैचमेंट पहले हो चुका है, उसकी चिट्ठी आई तो चिंतन होगा उसका, और दुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, ये दो विरोधी चीज तो सारे विश्व में सदा से है, सदा रहेगी, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे वो भिखमंगा हो। और तुम उनकी खबर लेते रहोगे तो रोना ही पड़ेगा। अरे चिंतन हुआ तो बस बेकार हुआ। मिलने जुलने वाले सब का कॉन्टेक्ट समाप्त हो जाए, एकदम जीरो, नील,
मालूम पड़ता है आज यहां तक आगे बढ़ गए, कल और आगे बढ़ गए। और अगर संसार भी चलता रहा, साथ में बेटा बेटी की चिट्ठी आ रही है, दमाद की आ रही है, उसकी आ रही है, फोन हो रहा है, उससे बात हो रही है, मालूम हुआ उसको टाइफाइड हो गया, उधर मालूम हो गया वो फेल हो गया, और सबका चिंतन कर रहा है, साधना नहीं होती। साधना असली तब होती है जब बिल्कुल सब मर गए हमारे लिए, सारा ब्रह्मांड और डट जाए। देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ता है। और वो गड़बड़ तो संसार में ये होती है, थोड़ा कमाया और ज्यादा कमा दिया, भगवान का चिंतन तो किया है 2 घंटे, संसार का 22 घंटे। ये गड़बड़ हो जाती है। उसमें जो संपन्न लोग हैं सब अपने संसार के गृहस्थियों से संपर्क बनाए रहते हैं, टेलीफोन भी लगा है, चिट्ठी पत्री भी हो रही है, वो लोग आते भी रहते हैं कभी कभी, और ये भी जाते रहते हैं कभी कभी अपने बेटा पोता के यहां, और फिर मुझसे कहते हैं महाराज जी हम तो आगे नहीं बढ़े। एक बार हम कहते हैं कोई जिंदगी भर न करे, साल भर सके, जो हम बता रहे हैं वैसे करके कर ले साल भर के बाद, तो उसको स्वयं लाभ मालूम पड़ेगा, तो स्वयं सोचेगा वो कि अब तो यही करना है, इतना लाभ हमको, इतना परिवर्तन हो गया हमारे अंदर। लेकिन ऐसी आदतें खराब है लोगों की, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, कहते कहते मर जाते।